इस बीच हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ से प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, आप बताएं आज की शुरुआत आप कैसी देख रहे हैं, जिस तरह से सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से नजर आ रहे हैं, शुक्रवार का सेशन जैसा भारतीय बाजार के लिए दिखा, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत आज कैसे होती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्टर शेयर करना चाहूंगा, जिस महीने में 5 एक्सपायरी हो और अगर लास्ट एक्सपायरी और महीने का लास्ट डे सेम हो, वो एक्सपायरी जनरली बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इस बार देखो तो 31 मार्च इज द लास्ट डे ऑफ मार्च और 31 मार्च इज द 5th एक्सपायरी ऑफ मार्च, तो ये एक्सपायरी जनरली बड़ी होती है। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये काफी सालों के रिसर्च के बाद ये ऑब्जर्वेशन मैंने एक जनरल रूल करके बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है इस हफ्ते में एक बहुत अच्छी मूव आ सकती है, बट क्या लेवल्स हमें ट्रैक करने होंगे? तो सबसे पहले मेरी ये राय होगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड है, हर रैली जो आएगी उसको मैं सेलिंग के लिए ही यूज करूंगा। क्या लेवल्स पे सेल करना चाहिए? तो मेरी ये राय होगी कि निफ्टी के लिए दो तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक होगा कि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन मार्च फ्यूचर्स में 17,040 यानी हम 17,000 कहेंगे, तो अगर 16,950 के नीचे जाए तो मैं इसको बेचना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस एट 17,150 यानी करीबन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ 16,450। दूसरा तरीका होगा अगर इसमें रैली आए 17,350 से लेके 450 के रेंज में, तो वहां पे मेरा एक बहुत अच्छा शॉट बनेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,650 और मेरा टारगेट तब होगा 16,850। मैं ये व्यू क्यों रख रहा हूँ, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि निफ्टी लोअर स्टॉप लोअर बॉटम्स की सीरीज में था जहां से एक अच्छी रैली आई है विदाउट वॉल्यूम। अब इस रैली के हम बेसिक 50% फिबोनाची डिप पे भी आ जाए तो भी हमारा जो लेवल आएगा वो करीबन 16,580 आएगा, तो मैं उस ट्रेड के लिए इसको एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना चाहूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो प्रशांत करना चाहते हैं और उसके बाद वो यहाँ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात उन्होंने बताई कि बाय ऑन डिप्स लगता है उन्हें और साथ ही जो एक फैक्ट शेयर किया डीप रिसर्च के बाद। प्रशांत थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस। प्रशांत आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उनमें से आपकी कॉल ऑफ द डे बताएं। जी मानसी, फर्स्ट पिक मेरा होगा स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, सेक्टर सपोर्ट है और वो स्टॉक है हिकाल। तो हिकाल में मैं देख रहा हूँ कि जो जनवरी की शुरुआत में एक सेलिंग आई थी वो एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद एक बहुत अच्छा एक्युमुलेशन हुआ है क्योंकि जो प्राइस पैटर्न है वहां पे क्लियर दिख रहा है कि जो लोज बने थे वो ब्रेक नहीं हुए। और दूसरी बात मुझे दिख रही कि अब 400 नंबर को काफी बार रजिस्ट कर रहा था, 400 के लेवल को, उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आया है वो वॉल्यूम के साथ आया है, यानी जैसे कि कहते हैं कि भाव और भावना दोनों जुड़े हुए हैं, प्राइस वॉल्यूम दोनों सिंक में है, तो इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। मैं इसमें हर डिप पे इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा, 395 के नीचे क्लोज विल बी माय एग्जिट पॉइंट और इसमें मुझे एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वही स्ट्रेट अवे करीबन 490 से 500 के रेंज में दिख रहा हूँ और इसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करे तो ये बहुत अच्छे रेंज में जा सकता है। सेकेंड पिक जो मेरा होगा वो होगा वन ऑफ द प्रीवियस मल्टीबैगर्स जो एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है जो है जयंत एग्रो, बट इसको मैं एक कंडीशनल बाय देना चाहूंगा। मैं इसको 255 के ऊपर बाय करना चाहूंगा, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, बट 255 के ऊपर एक क्रॉस कर जाए तो मैं इसमें डेफिनेटली बाय करूंगा विद अ स्टॉप लॉस बिलो 230 यानी 230 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसमें जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेट 325 के लेवल्स देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है ये दोनों ही स्टॉक्स। और जो स्टॉक में काफी दिनों से मुझे जिसमें वीकनेस दिखाई दे रही थी और जिसने गुरुवार शुक्रवार में वो मूवमेंट दिखाई भी थी वो था टाइटन, और इसमें मैं एक और नई ट्रेड देख रहा हूँ कि अगर ये 2500 के लेवल ब्रेक कर दे यानी 2495 के नीचे, 2495 के नीचे मैं इसमें एक शॉर्ट करना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस अबाउट 2535 और इसमें जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ 2425 का, यानी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये मेरा एक FNO सेक्टर से पिक होगा, कंडीशनल शॉट, और अगर मार्केट में थोड़ी भी वीकनेस आए तो ये सबसे वीक शॉट है। इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया हुआ था जो कि कंफर्म हुआ है गुरुवार और शुक्रवार में, तो ये अगर वो लो ब्रेक कर जाए तो फॉल बहुत तेज आ सकता है। तो ये तीन मेरे पिक्स होंगे और कॉल ऑफ द डे टाइटन होगा। प्रशांत, एयरलाइन स्टॉक्स पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। जाहिर तौर पर थोड़ी बहुत मोमेंटम तो हम पहले भी देख रहे थे, आप इंडिगो का शेयर देखे लास्ट दो दिन में उसमें भी सर्च था, लेकिन अभी फिलहाल किस तरह का चार्ट सेटअप दिख रहा है और कौन सा ट्रेडिंग के लिए लिहाज से बेटर स्टॉक दिख रहा है? इंडिगो काफी अच्छा लग रहा है और इसने एक हायर बॉटम बनाया तो डेफिनेटली हायर टॉप की तरफ जा रहा है। जहां तक मुझे डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है यानी एक क्लियर रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो करीबन 2080 से लेके 2000 की रेंज में दिख रहा है, जो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है।
बट मेरे हिसाब से इसमें मेरी बाय ऑन डिप्स की ही सलाह होगी, और जब तक ये 1900 क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर रहा है मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें मैं कॉन्फिडेंटली लॉन्ग की सलाह दे सकता हूँ। राइट, तो यहां से व्यू रहेगा इंडिगो पर, ऊपर के लेवल्स अब भी दिखता है प्रशांत को। प्रशांत, गोल्ड काउंटर्स, टाइटन आपने दिया एक काउंटर, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स पर किस तरह का व्यू बनेगा, मन्नापुरम फाइनेंस इन स्पेसिफिक? मैं जब मन्नापुरम फाइनेंस देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है एक बहुत टाइट स्क्वीज आई है। स्क्वीज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे हम स्प्रिंग को दबा देते हैं तो एक उसके बाद बहुत बड़ी मूव आती है, बिल्कुल उस तरह की मूव मुझे लग रहा है कि इसमें आ सकती है। तो वो किस तरफ आएगी, उसके लिए जो डिसीजिव लेवल होगा वो डाउन साइड पे 110 होगा, यानी जिनके पास पोजीशन हो 110 अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसकी वजह है कि अगर 110 ब्रेक हो जाए तो ये बहुत तेज नीचे आ सकता है, और जो अपसाइड ब्रेकआउट के लिए लेवल होगा वो करीबन 120 होगा। अभी हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, यानी 115 पे, तो 120 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग अपमूव दे सकता है, वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है 110, और अगर 110 ब्रेक कर दे तो आपको इसमें लॉन्ग्स में से एग्जिट करना होगा। बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है, दोनों तरफ 5-5 पॉइंट के ऊपर आपका ट्रेड डिफाइन होगा, तो उसी को आप फॉलो करके चलिए स्टॉक के लिए। ठीक है, सो ये व्यू रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस पर। प्रशांत, डीएलएफ का चार्ट एक बार देखें और बताएं, शहराज फोकस में रहने वाला है, करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश से गुरुग्राम में इनके प्लान्स हैं शॉपिंग मॉल्स क्रिएट करने के, डेवलपमेंटल फोकस है इनका, आपको क्या लगता है डीएलएफ एक बार टेक्निकली कैसा नजर आ रहा है? मानसी, बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसका एक प्रीवियस सपोर्ट था 380 के करीब जो कि ब्रेक हुआ है, तो अब जब वहां, और एक वहां पे बहुत क्लियर गैप रेजिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो अब जब वहां रैली करेंगे तो एक बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो क्या मैं यहाँ से 10-15 पॉइंट के लिए इसमें निवेश करूंगा, तो मेरा जवाब ना होगा, बट उसी के साथ मैं कहूंगा कि एक अच्छी बेस बनी हुई है। तो इसमें दो स्ट्रैटेजी होगी, जिनको इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से लेना है वो एवरी डिप टू 350 इसमें बाय कर सकते हैं, और जब तक 335 इंटैक्ट है, यानी आपका क्लोजिंग बेसिस 335 स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे बाय मत कीजिए। आपको जितना 350 के नजदीक मिले तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई होगा, 335 को स्टॉप लॉस रखिए। और जिनको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से लेना है तो इसको थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर, यानी 380 क्रॉस करने दीजिए, तभी आप इसको 365 के स्टॉप लॉस से लीजिए, आपको मेरे हिसाब से तुरंत 415-410 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। श्योर। प्रशांत, प्योरली अगर चार्ट्स पे देखें, अदानी पोर्ट्स और कुछ और अदानी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की तरफ फ्रेश जाते हुए 750 रुपए के आसपास, अदानी पोर्ट्स चार्ट्स पे कैसा दिखता है आपको प्रशांत? ये करीबन 745 पे क्लोज हुआ है, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, तो मुझे चाहिए कि ये स्टॉक एक बार मुझे 750 के ऊपर क्लोज, यानी करीबन यहाँ से 1% 750 के ऊपर ये 1 आवर भी सस्टेन करे तो इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा, और तो मैं इसको बाइंग के नजरे से देखूंगा। तब तक मैं इसमें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक जो निचले लेवल यानी 735 ब्रेक करे तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट टूट जाएगा, इसीलिए इसमें अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ से 1% ऊपर यानी 750 के ऊपर करनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 735 का, 735, और वहां से आपको फिर टारगेट मिल सकते हैं 775 से लेके 80 के। वेरी क्विकली ओपनिंग किस तरह से दिख रही है आपको प्रशांत? बैंक निफ्टी, जैसे कि मेरी राय थी, उसने वीकनेस क्लियरली शुरुआत में ही दिखा दी है, और निफ्टी एक रेंज बाउंड ओपन है, तो मेरी ये सलाह होगी कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि निफ्टी के लिए मेरी दो सलाह थी, एक था कि अगर ये जो इसका अहम सपोर्ट है यानी 16950 ब्रेक कर दे तब आप शॉर्ट कीजिए, या फिर आपको 16350 से 450 के रेंज में रैली मिल जाए वहां पे शॉर्ट कीजिए। इसके बीच के जो रेंज है यहाँ पे इंडेक्स से मेरी दूर रहने की सलाह होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक रहने के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा उसी बैंक और निफ्टी के लिए रिलायंस। तो दोनों ने ही, रिलायंस की एक अहम गैप रेजिस्टेंस है 2620 से लेके 2640, बिल्कुल उसी जोन से उसने पिछले हफ्ते रेजिस्ट किया था और वहां स्ट्रगल कर रहा है, तो जब तक वो लेवल क्रॉस ना हो मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी रेंज बाउंड ही रहेगा, तो फिलहाल इंडेक्स से मेरी दूर रहने की राय होगी, इन्हीं दो लेवल पे मैं काम करूंगा। प्रशांत, हमने पिछले हफ्ते देखा था कि शैले और आपका लेमन ट्री में अच्छे ब्लॉक्स हुए थे, और ये इस लाइट में कि इंडियन होटल के जो QIP उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, चार्ट्स पे अगर हम तीनों स्टॉक को कंपेयर करें, इंडियन होटल, शैले होटल और लेमन ट्री, तो आपको क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, कि क्या लेवल्स दिख रहे हैं उसमें? मैं इंडियन होटल्स को काफी वक्त से ट्रैक कर रहा था कि ये 220 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, इसने ये ब्रेकआउट दिया और वहां पे सस्टेन भी कर रहा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट पिक मेरा इंडियन होटल ही होगा, और ये फिलहाल आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 220 के नीचे यानी 218-219 के लेवल पे, बट अगर ये स्टॉक 235 क्रॉस कर ले
तो इसमें और ज्यादा मोमेंटम आ सकता है और हमें जो पूरी डेप्थ थी यानी करीबन ये 275-80 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो इन इस पूरे सेक्टर में इंडियन होटल्स में मेरी बाइंग की सलाह होगी। प्रशांत, आपका लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो मार्केट को लेकर वीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इंट्राडे का व्यू पॉइंट पूछूं तो अभी हम क्या चल रहे हैं ना 17,123 पे, हम 200 को आज देखेंगे या फिर 17,000 को देखेंगे, यानी कि 17,200 पहले देखेंगे 17,000, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक कॉल ना काफी एक्टिव है 17,200-300 वाले, उसमें से पैसे बन सकते हैं, आपको बताना डायरेक्शन। जी सवाल मुझसे आपसे ही है, बिल्कुल आपको डायरेक्शन बता दीजिए आज की, सिर्फ इंट्राडे की, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं चाहिए मेरे को। जी मैं आपको बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से बता देता हूं, अगर हम 17,125 के नीचे 15 मिनट भी स्पेंड कर दे तो मेरी ये सलाह होगी कि हम तुरंत 17,050-17,100 के लेवल पे जाए। तो अभी स्टॉप लॉस क्या रखना होगा, जो भी लॉन्ग हो आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखना है, मार्च फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,090 का और ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, यानी यहाँ से आपको 40 पॉइंट की रिस्क है और अगर रैली आए तो आपको 17,200 तक मिल सकता है, बट अगर हम 17,125 ब्रेक कर दे और इसके नीचे 15 मिनट भी सस्टेन करें हम तुरंत 17,050 टच कर लेंगे। मार्केट के लिए बहुत अहम लेवल है 17,125, इसको आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। अब आते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे, एक शेयर और है लिस्ट में जहां पर लग रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो इप्का लैब्स, 2.5% ऊपर है। प्रशांत एक बार जरा चेक करेंगे, 1,000 के ऊपर 2% ऊपर, ये आज और कितना गेन दे सकता है, फिर हो गया पूरा? डिम्पी जी दो तरीके से बात करूंगा, एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्पेसिफिक, तो रेजिस्टेंस पे गए हम यानी जो 1,025-30 का लेवल है ये अगर क्रॉस ना हो तो इंट्राडे में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। पोजिशनल के हिसाब से अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो आप इसमें कंफर्टेबली बने रह सकते हो विद अ स्टॉप लॉस बिलो 975, जब तक 975 लेवल इंटैक्ट है ये स्टॉक मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। मोमेंटम कब आएगा, तो मोमेंटम आएगा जब हम 1,035-40 क्रॉस कर दे तब इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा। ट्रेडिंग से बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बट निवेश के हिसाब से यानी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से 975 क्लोजिंग बेसिस बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, बहुत नजदीक है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। इस बीच जेके पेपर्स पे प्रशांत एक बार आपका व्यू पॉइंट चेक करना चाहते हैं, अभी और कितना चल सकता है या फिर थोड़ा लेट हो गए हैं? डिम्पी जी बिल्कुल, और उसके पहले एक बार निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे हमने कहा था 125 ब्रेक हो जाए हम 50 के तरफ तुरंत आ जाएंगे, तो हम बिल्कुल वही पे आ गए और अब मैं जब जेके पेपर देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और ये जहां से ब्रेकआउट हुआ करीबन उस जोन को एक बार टेस्ट करने आया है। ये मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ कि जब डिप आ रही है उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स थे, तो इस स्टॉक में डेफिनेटली मेरी बाइंग की सलाह होगी और आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है 280 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म एक्युमुलेशन हो चुका है काफी देर से, तो इसमें मुझे लग रहा है कि हम अगर करीबन 350-375 के भी टारगेट देखें तो मुझे उसमें हैरानी नहीं होगी, 285 के नीचे 280 के रेंज में हम स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं। यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी प्रशांत की जेके पेपर पर।